रामलाल यादव काफी बीमार हैं और उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें दिल्ली लाना पड़ा है। जी हाँ, तूफानी लाल यादव की बीमारी को लेकर तमाम लोगों ने कई बातें कही। तूफानी लाल यादव आखिर कैसे बीमार हो गए? दिल्ली के एक बड़े ही अस्पताल में तूफानी लाल यादव को भर्ती करवाना पड़ा है। इतना जान लीजिए कि इतनी तबीयत खराब है तूफानी लाल यादव की कि एरोप्लेन से उन्हें नहीं लाया जा सका। एयरबस ने बिल्कुल लाने से मना कर दिया। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि एयरबस ने सीधे सीधे साफ मना कर दिया कि हम इसका रिस्क नहीं ले सकते। अब इनके तमाम दोस्त इकट्ठा हुए, संतोष रेणु, प्रमोद प्रेमी, बहुत सारे लोग जो हैं भोजपुरिया समाज के इकट्ठा हुए, सबने एक गाड़ी की और गाड़ी से इन्होंने लेकर दिल्ली तरफ बढ़ना शुरू किया और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया है। बहुत बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा है तूफानी लाल यादव को और बहुत ही ज़्यादा उनकी बीमारी बढ़ चुकी है। फिलहाल वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। इस अस्पताल में उनका बेहतर इलाज होगा ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली के अस्पताल का फिलहाल नाम संतोष रेणु ने नहीं बताया है, लेकिन दिल्ली उन्हें ले जाना पड़ा है। तूफानी लाल यादव की बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तूफानी लाल यादव एक बहुत अच्छे गायक हैं और उन्होंने पिछले दिनों अश्लीलता को लेकर तमाम लोगों से माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि भैया हम जरूर पवित्र बनाएंगे भोजपुरिया जगत को। और तूफानी लाल यादव अचानक से बीमार पड़ गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल दिल्ली अस्पताल में है। जिन लोगों को भी मिलना हो वो आएँ, उनसे मिलें, उनके लिए दुआएँ करें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया की रिपोर्ट।